पेरिस आतंकी हमले का मुख्य संदिग्ध सलाह अब्दुसलाम शुक्रवार को ब्रसेल्स में पुलिस की छापेमारी के दौरान पकड़ा गया। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि इस छापेमारी के दौरान अब्दुसलाम घायल तो नहीं हुआ। वो बीते 13 नवंबर को पेरिस में हुए आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली थी, जिसमें 130 लोग मारे गए थे। फ्रांसीसी पुलिस के मुताबिक बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के पास मोलेनबीक इलाके में की गई छापेमारी के दौरान एक शख्स घायल हुआ और दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों ने यह नहीं बताया कि इसमें से कौन अब्दुसलाम है। गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले जांचकर्ताओं को पेरिस हमले के संदिग्ध का फिंगरप्रिंट ब्रसेल्स के एक अपार्टमेंट में मिला, जहां इस हफ्ते छापा मारा गया था। वो नवंबर से फरार था। पिछले साल 13 नवंबर के आतंकवादी हमले के बाद अब्दुसलाम पेरिस से भाग गया था।